क्या बवाल लगता है लेकिन यहाँ से वीडियो में क्या होना चाहिए? ब्लैक ब्लैक जो कूलर के लिए होगा ना, कूलर की सेटिंग है। बाल कटाया दिमाग कटाया है ठीक है। पीछे से दिखा, शैम्पू होने के बाद और अच्छे समझ में आएंगे। जैसे जैसे दिखाए हो उस टाइप के, कम से कम 10-12-15 दिन बाद आएंगे। सॉरी वहीं पे आग जल रही है, गौ माता जा रही है। देखो अबे चल दियो ना खटवा से, बड़े टाइम के बाद देव की कटिंग का मुहूर्त निकला। इनको टाइम ही नहीं मिल पाता था, जब भी सोचते थे उस दिन या तो जिससे करवाना है हेयर कट वो नहीं होते थे या फिर इनके पास टाइम नहीं होता था। तो फाइनली आज देव के सर उसका बोलने लगे थे घोंसला के स्वीटर, मुहूर्त निकला मुहूर्त, देव का सिर का घोंसला हटने का मुहूर्त निकला। अब ये नहाएगा, मैं फटाफट उपमा बनाती हूँ क्योंकि कल देव का बर्थडे, हमको मार्केट भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। हाँ जी, क्यूट से देव के नाना नानी जी ने उसके लिए जो गिफ्ट्स भिजवाए हैं वो ये रहे। इसमें बहुत प्यारी सी टैगलाइन लिखी, ये टी शर्ट है और ये है स्काई ब्लू कलर की शॉर्ट इंडियन ट्रेनिंग की, तो ये इसका बर्थडे ड्रेस है और ये इसके लिए मतलब फोल्डिंग स्टडी टेबल। इसमें प्यारा सा क्यूट सा डोरेमोन बना है, टैब होल्डर है और ग्लास रखने का भी है। और यहाँ पे ये खा रहा है, अपना डिनर कर रहा है, कड़ी चावल बने हैं। खाना पूरा फिनिश कर लेना, बाहर से चॉकलेट देव है, अंधेरा हो गया थोड़ा सा। देव घर में है, लंच कर रहा है अपना। मेरा कैमरा थोड़ा सा खराब है इसलिए ऐसे ही बनते हैं, थोड़े से वेट। जय माता दी बेटा, अपना डिनर फिनिश कर। अभी कड़ी चावल बनाए हैं, बूंदी वाली कड़ी। ये कूलर और एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होगी। हम लोग जा रहे हैं देव का कल बर्थडे है तो केक ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। अब भी बाहर से आए हैं और काफ़ी लेट नाइट हो चुका है, देखते हैं शॉप खुली मिलती है कि नहीं, क्योंकि काम भी जरूरी है, बाकी चीजें भी जरूरी है, तो स्वीटू को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब चलते हैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हाँ जी, बैठो चलो जी। अरे मैं बोल रहा हूँ चल छुटकू जय माता दी, अरे वो खुद बोलता था चल छुटकू जय माता दी, वो खुद ही बोलता था। जब देव छोटा था ना तो हम बाइक पे भी बैठते थे, देव बोलता था, हम बोलते थे चल छुटकू जय माता दी, खुद बोलता था जय माता दी, वो खुद बोल देता था कई बार, फिर हम नहीं बोल रहे, बोलता चल छुटकू जय माता दी बोल के हमारी तरफ देखने लगता था, चल छुटकू जय माता दी। देव को हम प्यार से कभी कभी छुटकू भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं छुटकू गुजीपू गुजू, जय माता रानी। अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है और अभी आपको पप्पा के दर्शन कराती हूं, अगर पॉसिबल हो पाया तो। हो गया, आई थिंक हो गए होंगे दर्शन, है ना। कोशिश तो करी थी हमने फास्ट से कराने की, रुक के किसी दिन और कराएंगे क्योंकि अभी तो पूरे 10 दिन है, तो किसी दिन प्रॉपर जाएंगे दर्शन करने के लिए सब जगह, है ना बिटू। वो हम लोग हर बार करते हैं नवरात्रि में भी और गणेश जी। सबसे जबरदस्त मूर्ति नानू की दुकान के बाजू में बैठा है। हाँ देखिए क्या, हाँ मतलब आप देख निहारते रह जाओगे ऐसे। पता होते ही बहुत प्यारे, और जहाँ जहाँ पे भी मतलब उनको विराजमान करते हैं तब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करती है, आशीर्वाद बचपन में बहुत बैठा है, गाने का दस रहता है। सामने से ट्रिपलिंग करते हुए तीन लड़कियाँ जा रही है, ऐसा नहीं ट्रिपलिंग हम लोग तीनों भी कर लेते हैं अपनी बाइक पे, तो वो उनको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, बाइक रोक लूंगा तो।
ज्यादा धोखा हो गया परिस्थिति के हाल में, तो ज्यादा निर्मा सूखा बेसन बनता है, वो रोटी बनाऊंगी। और अगर वो रोटी बनते सीटू के डेफिनेटली पराठे ही बनते हैं, उसके सिर्फ पराठे ही बनते हैं। जैसे सीटू घर से आए थाली साफ करके ले गए देश के लिए, सीटू को मैंने दिखाई वो थाली की सीट ये है रोटी और बेसन बड़ी चावल। सीटू बड़े ध्यान से देख रहे थे, कुछ चावल सा दिख रहा है अलग सा, रोटी ये सूखी रोटी और बेसन है। फिर बड़े ध्यान से देख कड़ी चावल का मन था इसलिए कड़ी चावल बना लिए, और कल बनाएंगे। कल सब तो देख के पसंद का बनेगा। मेरे मंगल जी बोली है कि उसको चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट में मूंग के पकौड़े मंगोड़े और सॉस यहाँ से लेके चलना है मम्मी का तबियत में। तो आज तो बहुत सारे आपको मैंने बाहर ब्लॉगिंग नहीं करती, थोड़ी दूर करती, देखिए आज मैंने बाहर बहुत कोशिश करी, इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे पास निम्बल नहीं है तो हाथ से पकड़ के करना पड़ता है, तो डर रहता है कि मोबाइल कहीं गिर ना जाए, और ये गिर गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ब्लॉगिंग, है ना सिटू भैया? तो ध्यान भी रखना पड़ता है सेफ्टी का। तो आप लोगों से बात करते करते हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल पे, द गुडविल केक शॉप। यहीं से हम लोग केक्स लेते हैं। मेरा बर्थडे हो, स्वीटू का हो, देव का हो, किसी का भी हो, बट हम लोग पहले ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि अपने हिसाब से टेस्ट बताना होता है, और हमको चॉकलेट ट्रफल बहुत पसंद है, तो बेस जो होता है ना हम कोशिश करते हैं चॉकलेट ट्रफल का ही रहे, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और वेजेस के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। और लास्ट ईयर हम लोगों ने देव के बर्थडे की प्रिपरेशन कैसे की थी, अगर वो व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैं इसी व्लॉग में नीचे ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। क्या बवाल लगता है लेकिन यहाँ से वीडियो में, जो वहाँ रखी है उसकी पैंट से मैच कराएं क्या, टी शर्ट सेम हो जाएगी ऊपर नीचे, पैंट से मैच कराएं क्या? तो दो ले चल फिर, एक क्या ले रही है बारिश शुरू हो गई। चले और नहीं बोली। तो देव के एग्जाम से कल उसका फर्स्ट पेपर है और दो पेपर है जीके और कंप्यूटर का, तो इस वजह से जैसे हम लोग इसलिए बोला था मोबाइल पकड़ के रखना बोल रहा था, इस वजह से जैसे हम लोग हर बार बर्थडे ब्रिंगिंग करते हैं ना, तो इस बार उसका कुछ प्लान नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर वो 12 बजे तक केक कटिंग के लिए जगेगा, एक्साइटमेंट में जग तो जाएगा, बट फिर ये होगा कि वो 1 बजे तक पूरा केक फिनिश करता है, क्योंकि वो खाक पूरा खाए खत्म करेंगे ना उसको चैन नहीं आएगा, और उसको रात में भी एक दो गिफ्ट ओपन करने होते हैं, उसके लिए रखने पड़ते हैं क्योंकि उसको रहता है कि नहीं मैं करूँगा अनबॉक्सिंग, फिर वो सोता है तभी एग्जाम टाइम में ये सब नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बच्चे को नींद भी ज़रूरी है। बट हाँ कब केक्स वगैरह ले आए, चोकोलावा ले आए, अगर उसका मन हुआ, अगर वो जागता रहा उस टाइम तक, तो कप केक के साथ मैजिक कैंडल के साथ कुछ कर लेंगे। अभी वो प्रॉपर केक नहीं लाए, केक पाउडर दे आए कल के लिए। जल्दी जल्दी हम लोग घर आए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर घर आए तो देव को सबसे पहले उसकी चीज़ें दिखा दी, ये उसकी बर्थडे कैप है और कप केक्स वगैरह, और उसके लिए हम लोग चॉकलेट क्रीम रोल भी लाए थे जो वो अब खा रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्रीम रोल लाए और देव पहले उसको चटना कर जाए, और साथ में लॉलीपॉप भी उसके मुंह में एक तरफ है। और देव की एक बहुत अच्छी आदत है कि घर पे कुछ भी आता है ना, चाहे उसके लिए क्यों ना हो, वो हम लोग से शेयर किए बिना नहीं खाता है। कई बार हम लोग मना कर देते हैं, कई बार उसका मन रखने के लिए वो ज़िद करता है तो खाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैमरे में मैं नहीं दिखा पाती हूँ, बट आज ऐसे मेरे हाथ में मोबाइल ऑन था तो आपको दिखा दिया। अब डिनर कर लेते हैं। आज चावल थोड़े से गीले हो गए थे जल्दबाजी में, पानी ज़्यादा हो गया था, और कुकर की गास्केट भी ख़राब हो रही है, और आज पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनाई थी, आज बूंदी वाली कढ़ी बनाई थी। कई बार होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो, टाइम नहीं है, तो फिर प्लेन कढ़ी नहीं बनाती हूँ तो फिर बूंदी वाली कढ़ी बना लेती हूँ। तो मार्केट जाने के पहले ही देव को मैंने डिनर दे दिया था क्योंकि बच्चे को भूख लगाई थी, क्योंकि काफ़ी सीटू लेट आए और हम लोग बहुत लेट मार्केट गए थे आज, क्योंकि केक का ऑर्डर देना ज़रूरी था। तो केक तो आपको कल वाले व्लॉग में दिखेगा कि कौन सा ऑर्डर दिया है। और ये रहा वो घर जो हम लोगों ने फाइनल किया है, तो इस घर में हम लोग शिफ्ट होने वाले, ये रहेगा हमारा नया आशियाना।
बहुत प्यारा है। सबसे अच्छी बात यह है कि दो वॉशरूम है, इंडियन भी है वेस्टर्न भी है, और काफ़ी खुला खुला है, रोशनी वाला है, और मतलब सनलाइट हर तरफ से आती है, बहुत ज़्यादा हवादार है, और मतलब ऐसे भी बहुत प्यारा लगा हम लोगों को। हर तरफ से सनलाइट है, सामने में कबर्ड बनी हुई है, और ये रहा लिविंग रूम। लिविंग रूम में कॉमन वॉशरूम बना हुआ है, किचन आप देख ही चुके हैं, बाकी अंदर में कैसा है अब आपको मैं दिखाती हूँ धीरे से। ज़्यादा चिंता करने लगे, पूछने लगे बेटा कहाँ हो क्या हो, दिन में दो बार पूछेंगे बेटा कैसे हो क्या हो, कैसे बुजुर्ग कहाँ रहना चाहिए, बुजुर्ग पूछता रहे जो कूलर के लिए होगा ना, कूलर की सेटिंग है। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा।